ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंद। तो दोस्तों, 4 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 मुख्य घोषणा की थी। नंबर 1, 72 लाख लोगों को 2 महीने के लिए फ्री राशन दिए जाएंगे। नंबर 2, ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन जिसे आवेदन करने का तिथि सोमवार 10 मई को था, transport.delhi.gov.in पे आवेदन करने के लिए इस लिंक को अपडेट नहीं किया गया। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं और वो लोग सोच रहे हैं आखिर में कब से आवेदन करना होगा, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दरअसल बता दूँ, सोमवार 10 मई को transport.delhi.gov.in पे इस लिंक को अपडेट किए जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अभी तक लिंक को अपडेट नहीं किया गया है। ये कब तक लिंक को अपडेट किया जाएगा, इसका भी अभी तक भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, और जिन लोगों ने 2020 में आवेदन किया था दिल्ली सहायता योजना के लिए, और जिन लोगों को 5,000 रुपये मिले थे, उनके अकाउंट में आज से 5,000 रुपये भेजे जाएंगे, जिसमें ऑटो टैक्सी चालक, ई रिक्शा चालक, ग्रामीण सेवा चालक भी हैं। 2,10,000 चालकों को 5,000 रुपये भेजे जाएंगे, सारे व्यक्ति के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो इसके बाद transport.delhi.gov.in पे इसका लिंक कोड अपडेट किया जाएगा। इसके बाद जो जिन लोगों को 2020 में नहीं मिला था, तो वो लोग यहां से अप्लाई कर सकता है, या फिर जिन लोगों को 2020 में पैसे मिले थे और 2021 में यानी कि इस टाइम पैसे उनके अकाउंट में नहीं आएंगे, तो वो लोग भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को कुछ टाइम वेट कर लेना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दे दूंगा, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके एक बार कंफर्म कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंद चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।